भाई आपके लिए बहुत ही मतलब ओपी वीडियो लाया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब आप कैसे को हर एक मैच बुइया करेंगे। दोस्तों ये ट्रेनिंग मोड है, आप जैसे ट्रेनिंग मोड में आपको हर एक गन मिलती है, मैं आपको हर एक गन की एक्यूरेसी चाहे वो कोई भी हो, लेवल मशरूम, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा पूरा फुल डिटेल में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो, आपका टाइम ले तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपका स्वागत है फ्री फायर गेमर से। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए मेरे पास ये MP5 इलेक्ट्रिक बूस्टर हमें दिखाता है, तो MP5 इलेक्ट्रिक बूस्टर। दोस्तों ये MP5 में इलेक्ट्रिकल बूस्टर को बढ़ाता है, M60 स्पायरल चार्जर ये उसे चार्ज करता है, VSS राइपर बुलेट, ये राइपर बुलेट है, ये M14 रेस कोर, दोस्तों इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये है कार 98 के बायोमेट्रिक स्कोप, दोस्तों ये कार 98 के का बायोमेट्रिक स्कोप है, ये थर्मल बूस्ट है प्लाज्मा का, ये AWM का आर्मर पाइसर है, और दोस्तों ये मेडिकेट, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि मेडिकेट कैसे लगाते हैं। अभी मेरी मेडिकेट फुल है, और ये रिपेयर किट, इससे हम कुछ भी रिपेयर करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे खरीद लेता हूँ। फिर ये मशरूम लेवल 3 के, ये ऑल बैरल, दोस्तों जब भी आप ऑल बैरल लेते हैं तो ऑल बैरल आपको 50 के डैमेज, मतलब 50 तक अगर आपको डैमेज पड़ा तो 50 तक के डैमेज से बचा लेता है। ऑल बैरल की सबसे खास बात ये होती है, तो आइए हम इसे यहाँ पे रिमूव करते हैं। फिर दोस्तों ये आ गया आपका झिली बूस, तो इसे परचेस करते हैं दोस्तों। तो ये आपको, ये भी आपको 50 के डैमेज से बचाता है, अगर आपको गोलियों की 50 की डैमेज पड़ती है तो आपको 50 तक के डैमेज से बचा लेगा। तो हम इसे रिमूव करते हैं। अब आइए हम दूसरा कुछ लेते हैं। फिर दोस्तों आते हैं एक कैमो बॉक्स। दोस्तों कैमो बॉक्स की एबिलिटी हम आपको बता, दोस्तों जैसे आप कैमो बॉक्स में बैठ गए हैं इस तरह से और कहीं भी जाकर छुप जाइए, दोस्तों देखिए मतलब किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर हैं। वैसे कैमो बॉक्स इतनी परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा है, और दोस्तों ये आपको 80 तक डैमेज, अगर आपको पड़ते नहीं कोई गन आपको डैमेज दे रही तो 80 HP तक के डैमेज से आपको बचाता है। तो चलिए पहले हम इसे भी निकाल देते हैं, ये निकलने का नाम ले रहे थे, इसको थोड़ा दूर आके हम निकालते हैं। अब गाइज इसमें आता है हमारा, पहले हम यहाँ आते हैं, इन्हेलर। सो गाइज इन्हेलर के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि आप जब दौड़ते हैं रन करते हैं इन्हेलर आपकी कितना काम आता है, आपकी EP बढ़ाने में, वही EP और साथ में HP भी बढ़ाता है। ये दोस्तों डिकॉय ग्रेनेड, ये आपके बिल्कुल आपके जैसा एक खड़ा कर देता है आपके सामने, जैसे आप देखिए ये देख सकते, बिल्कुल मतलब एनिमीज को चकमा देने के लिए होता है। और गैस आप दौड़ेंगे तो ये देखिए इन्हेलर है, लेकिन अभी मेरी HP फुल है इसलिए इन्हेलर भी अभी काम नहीं कर रहा है। इन्हेलर बाद में कर, तो पहले हम डीके ग्रेन थोड़ा सा ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मजल लेवल 1 है, मजल लेवल 2, मजल लेवल 3। तो दोस्तों ये सब आपके एनिमी के मतलब डैमेज रेंज को बढ़ाते हैं और कम करते हैं गन की रेंज को। ये साइलेंसर है गाइस, साइलेंसर आपकी बहुत हेल्प करता है गन्स किसी को पता ना चलने में। ये मैगजीन लेवल 1 है, ये मैगजीन लेवल 2 है, और ये मैगजीन लेवल 3। दोस्तों ये मैगजीन आपकी गोलियाँ बढ़ाती हैं, और ये डबल मैगजीन आपकी बुलेट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब डबल कर देती है। ये फॉरगिव लेवल 1, फॉरगिव लेवल 2 और फॉरगिव लेवल 3। दोस्तों ये फॉरग्रिप लेवल होते हैं, ये आपकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ आपके बहुत काम आते हैं एनिमीज़ को किल करने में। बायपॉड, तो दोस्तों बायपॉड आपकी गन्स रखने के काम आते हैं, आप जानते ही होंगे। दोस्तों 2X स्कोप गाइस, 2X स्कोप मतलब जो नॉर्मल स्कोप होता है उससे थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है। 4X स्कोप वो होता है जो कि AWM वगैरह में लगा रहता है, SKS में। 4X स्कोप मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जूमिंग क्वालिटी देता है। थर्मल स्कोप की तो भाई मतलब बात ही अलग है, आपको मिल जाए बरमूडा मैप पे तो बहुत मतलब एकदम OP थर्मल स्कोप आपको मतलब आपके एनिमी को पूरा का पूरा रेड कर देता है, पूरा रेड, इसमें आप एकदम ईजिली मार सकते हैं। स्टॉक लेवल 1, स्टॉक लेवल 2, स्टॉक लेवल 3, दोस्तों ये आपको आपके एनिमी को किल में मदद करते हैं। तो यहाँ से हम डबल मैगजीन लेते हैं, 4X स्कोप लेते हैं, और स्टॉक लेवल 3। उसके बाद गाइस आते हैं अब हम गन्स के पास। तो गाइस ये देखिए AUG और AK, दोस्तों ये दोनों ही नई आई हैं। तो आइए हम थोड़ा इनके इनका रेंज टेस्ट करते हैं। दोस्तों AUG में तो ऑलरेडी 2X स्कोप है, लेकिन मैंने 4X स्कोप खरीदा था, इसमें 4X स्कोप दिखा रहा है। सर AUG की सबसे खास बात है कि अगर ये हेड पे लगती है तो 170 का डैमेज देती है, और अगर पूरी बॉडी पे कहीं लगेगी तो ये 130 का डैमेज देगी। आप देखिए 170 का हेड पे देती है, जिसकी रेड डॉट है, ये देख सकते हैं आप 130 का डैमेज दे रही है।
और हेड लगने पे 170 का देती है। वहीं अगर हम एके की बात करते हैं तो एके हमारे हेड लगने पे 209 का देती है और इस तरह 38 का डैमेज देती है। और गाइस अगर हम वहीं पे बैट की बात करें तो बैट यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो चलिए पहले हम कुछ और बाकी की और गन्स लेते हैं और उनके बारे में सर्च करते हैं। दोस्तों फार्मस, हमने एक फार्मस ले ली और एक M249 ले लिए। पहले हम इसको चेंज कर लें। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे M249 हमें गेम में बहुत ही कम मिलती है। सो गाइस हमारी फार्मस है, अगर इसे आप हेड पे मारते हैं तो ये 100 150 का डैमेज देती है, 160 का। और वहीं पे अगर ये M249 है तो गाइस ये आपको डैमेज देती है 181 का, काफ़ी भयंकर डैमेज है। और इस तरह बाकी बॉडी पार्ट्स पे 38 का देती है। और वहीं अगर आप फार्मस की बात करते हो बाकी बॉडी पे 29 का डैमेज देती है। मतलब ये दोनों ही गन्स कुछ ज़्यादा खास स्पेशल नहीं है। हाँ एके थी दोस्तों, एके को माना जाता है कि वो ऑटो हेडशॉट, मतलब वो खुद से ही हेडशॉट देती है अगर आप तो हल्का सा भी अच्छे से खेलते हैं तो। और इस बार हमारे पास है Space 12 और XM8। दोस्तों XM8 भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गन है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम XM8 को सर्च करते हैं। गाइस XM8 181 का डैमेज देती है हेड पर और बाकी बॉडी पे 33 का। वहीं अगर आप Space 12 लेते हैं तो ये डैमेज देती है 104 का और बाकी बॉडी पे 33 का। मतलब दोस्तों इसकी इतनी गोली है कि आपके एनिमीज को मारने के लिए बहुत है। दोस्तों मतलब ये शॉटगन काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप मतलब एक ही बुलेट में कितना ज़्यादा डैमेज देगी, हेड भी देगी और हेड के साथ बाकी की डैमेज भी देती है। देखिए आप दो दो हेड दे रही है, काफ़ी वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम आइए हम अपने बाकी गन्स के बारे में टेस्ट करते हैं। सो गाइस इसके बाद जो हमारा आता है M4A1 और M14। ये M14 भी दोस्तों काफ़ी अच्छी गन है जो कि स्कोप लगा के अगर आप मारते हैं तो काफ़ी अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों गन्स ले लिए हैं भाई, अब इससे हम करते हैं टेस्ट। सो गाइस ये देखिए हेड लगाने पे ये 319 का डैमेज देती है और इस तरफ बॉडी पे अगर आप मारते हैं तो 58 का डैमेज, यानी काफ़ी अच्छा डैमेज है। वहीं पर अगर आप बात करें A141 की तो ये 154 का डैमेज देती है हेड पर और बाकी बॉडी पे 28 का डैमेज, ये कुछ खास नहीं है। और अगर गाइस हम लेते हैं यहाँ पर स्कार, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कार काफ़ी अच्छी गन है, तो एक हम स्कार ले लेते हैं। और ग्रोजा, अब चलिए हम चलते हैं। सो गाइस ग्रोजा हेड पर 203 का डैमेज देती है और ऐसे बॉडी पर 37 का। वहीं अगर आप स्कार लेते हैं तो स्कार हेड पर 154 का डैमेज और बाकी बॉडी पर 28 का डैमेज देती है। सो दोस्तों ग्रोजा काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर डैमेज की बात करें तो M14 का डैमेज सबसे ज़्यादा है, 58 बॉडी पर ही। अब हमारे पास एक AN94 है और उसके साथ ही एक प्लाज्मा, प्लाज्मा हम ले लेते हैं। दोस्तों प्लाज्मा कर मतलब मुझे चलाने आती है लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो करती क्या, इसलिए मैं उससे नहीं खेलता हूँ। तो हम यहाँ पर उसे टेस्ट करके देखते हैं। प्लाज्मा का इस हेड पर 176 का डैमेज देती है और बाकी इस तरह अगर आप उसे बॉडी पर करते हैं तो 32 का, ये भी अच्छा डैमेज है लेकिन इतना खास नहीं। वहीं पे बात कर लेते हैं अगर हम A141 की, सॉरी AN94 की, तो ये बॉडी पर देता है 36 का डैमेज और हेड पर देता है पूरा 198 का डैमेज, जो काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों सील्ड गन, दोस्तों सील्ड गन मुझे आज तक तो कहीं नहीं मिली है पूरे बरमूडा मैप में। हो सकता है आपको मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कहाँ मिलती है। और दूसरी गन हम लेते हैं M1040, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो चलिए अब आइए अब हम इसका टेस्ट करते हैं। दोस्तों M1040 जो है वो हेड पर 143 और बाकी बॉडी पे 10 का डैमेज देती है। वहीं पे शील्ड गन की अगर बात करते हैं तो शील्ड गन हेड पर 148 और बाकी बॉडी, अरे भाई वाह, 27 का डैमेज देती है, भी काफ़ी अच्छा डैमेज है। लेकिन अभी तक दोस्तों M14 का डैमेज सबसे ज़्यादा पड़ा है। और दोस्तों अब हम लेते हैं M1887, मेरी फेवरेट शॉटगन,
और UMP। सो गाइस पहले हम गन अपनी चेंज कर लें। दोस्तों UMP भी काफ़ी OP गन है, लेकिन MP40 से ज़्यादा नहीं दोस्तों। ये हेड पर आपको डैमेज देती है 132 का, और बाकी बॉडी पे देती है ये 24 का, जो भी काफ़ी अच्छा है। और वही अगर हम M887 की बात करें तो ये हेड पे देता है 93 का, और बाकी बॉडी पे 15 का। इसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम अपनी गन एक्सचेंज करते हैं। अब दोस्तों MP5 और MP40। दोस्तों MP40 मेरी फेवरेट शॉर्ट रेंज गन है दोस्तों। मतलब बहुत ही गजब को, मतलब देखिए डैमेज कितना खतरनाक देगी। डैमेज 23 का देगी, इतना फास्ट देगी कोई सोई। और हेड भी दोस्तों ये 100 के पार देती है। हम इसका आपको हेड दिखाते हैं, हेड कितना देती है। इसका हेड 126 का है। वहीं पर अगर हम UMP की बात करते हैं तो 132 का हेड देती है, और गाइस बॉडी पे वो 24 का डैमेज देती है। अब गाइस बात करते हैं P9 का, सॉरी P90। और CG15 दोस्तों, CG15 मतलब मेरी फेवरेट गन है। अगर आप एक बार इसका स्कोप लगा के डैमेज दे देते हैं तो मैंने यकीन मानिए कोई भी, मतलब पूरे देखिए दोस्तों, जैसे ये मेरे पास CG15 है। मैंने इसको सेंटर में मारा तो हेड लगा तो 137 का डैमेज दिया, साइड में मारूंगा तो 25 का डैमेज देगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसका स्कोप लगा लूँ एक बार और फिर से हेड पर मैं एकदम साइड में देता हूँ डैमेज, आप देखिए, और इसका 100% होने तक दे देता हूँ डैमेज, एक गोली में काम खत्म। 750 का डैमेज इतने हेड पर भी नहीं देती है। वहीं पर अगर हम P90 की बात करें तो बॉडी पे 23 का देती है और हेड पर 126 का। ये भी काफ़ी अच्छा है, डैमेज है। और दोस्तों अब हमारे पास अभी बहुत सारी गन्स बच रही हैं। तो अब हमारी ड्रैगनो और AWM दोस्तों, मतलब बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, मतलब एक एक चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन से गन की एक्यूरेसी कितनी है, कितनी पावर है। दोस्तों ये देखिए 4 को भी साथ इसका हेड पड़ता है तो 440 का डैमेज, और बॉडी पर 120 का डैमेज, जो कि काफ़ी अच्छा ड्रैगनों का। वहीं पर अगर हम बात करें M60 का तो गाइज ये हेड पर 181 का डैमेज देती है और बॉडी पर 33 का, ये भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब देखिए टॉमी गन, थॉमसन को दोस्तों टॉमी बोलते हैं, और उसके साथ साथ VSS। सो गाइस टॉमी गन और M887 का भी मतलब काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए ये बॉडी पे 29 का देती है और हेड पे 159 का, जो कि ड्रैगनों से बहुत कम है। दोस्तों ये हेड पे 137 का देती है और बॉडी पे 25 का, ये भी इसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। इसका रेट ऑफ फायर MP40 से थोड़ा सा कम है। इसके बाद गाइस हमारा आता है SKS, ड्रैगनों को हम आपको दिखा चुके हैं, और उसके बाद से दोस्तों M82B। दोस्तों पहले हम SKS लेते हैं। जी हाँ गाइस, अब देखिए मतलब कि SKS दोस्तों शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। ये देखिए 95 का डैमेज इस तरह देती है और हेड पर 374 का, जो कि वाकई में। और M82B दोस्तों हेड पर तो पूरा ठोक डालती है एकदम। दोस्तों हेड पर 907 का डैमेज, और इस पर अगर बॉडी पर चेक करें तो 96, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन सब मामलों में ड्रैगनों कुछ ज़्यादा ही आगे है दोस्तों, क्योंकि बॉडी पर 135 का डैमेज देती है, काफ़ी एक्सीलेंट। अब इसके बाद दोस्तों दो महारथी इस गेम के मतलब गन्स में, जिसको चलाने हैं, जिसके लिए मुझे तो AWM चलानी है थी, AWM, और AWM के साथ Kar98। दोस्तों मुझे Kar98 आती है, लेकिन AWM चलाने नहीं आती सही से, क्योंकि रिलोडिंग में काफ़ी टाइम लगाता है। तो बस देख सकते हैं मतलब दोनों एकदम। पहले हम Kar98 का सर्च करते हैं। दोस्तों ये हेड पे डैमेज देती है 462 का और बॉडी पे देती है 176 का, और दोस्तों AWM बॉडी पे देता है 300 का दोस्तों, मतलब डैमेज बॉडी पे देता है। अगर हेड लगे तो हेड सोच लीजिए आप। और ये चेक करते हैं भाई साहब, 1100 मतलब सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहा है 1100। इट्स एन रियली एक्सीलेंट गन। और दोस्तों अब हम आपको शॉर्ट रेंज की गन्स में बात करते हैं।
मतलब जो कि एकदम पिस्टल्स के बारे में। तो हम USP ले लेते हैं और M500 ले लेते हैं। तो गाइस ये तो हम एक बार में एक ही आपको दिखा पाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हेड पर ये 247 का डैमेज देती है और बॉडी पर 45 का, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज है, ख़राब नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम USP। वैसे USP का दोस्तों आप लोग बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये 10 का डैमेज देती है, सभी जानते हैं। इस तरह हेड पर 110 और बॉडी पर 20 का डैमेज देती है, ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं G18। G18 दोस्तों काफ़ी अच्छी गन है, मतलब ये है ये USP की तरह, लेकिन इसका फायरिंग रेट ऑफ़ फायर जो वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हेड पे 110 का डैमेज देती है और बॉडी पे 20 का, लेकिन इसका रेट ऑफ़ फायर की वजह से ये मेरी फेवरेट है USP से ज़्यादा। इसके बाद गाइस अगर हम बात कर लें तो इसके बाद आता है हमारा डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल भी गाइस मतलब बहुत ही OP गन है। ये बॉडी पे लगते हो तो 90 का डैमेज देते, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बॉडी पे 90 का डैमेज देगा, और अगर हेड मारते हो तो एकदम 495, जो कि पिस्टल में सबसे बेस्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू M18 से भी। सो गाइस चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों M18 हेड पे देती है 137 का डैमेज और बॉडी पे 10 का, 10-10 करें उसकी जितनी बुलेट्स लगेंगी उतनी। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।